चलिए स्टूडेंट, इसे हम सॉल्व करते हैं। हमारा जो प्रॉब्लम है दिया हुआ है, तो हमें टू टेन टू एक्स प्रूफ करना है। बड़ा ही इजी सवाल है। यहाँ पर मैं इसे लिखता हूँ इस तरह से। हम सबसे पहले क्या करेंगे, LHS साइड जो दी हुई है इसकी हम वो लिखते हैं। तो यहाँ पर इज इक्वल टू करके, अगर आप चाहें तो आप इसे कॉस में भी लिख सकते हैं, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स तकसीम कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ब्रैकेट में कंप्लीट माइनस, फिर अगले वाला जो कॉस है हमारा उसमें हमें लिखना है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स तकसीम में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ओके, अब इसके बाद हमें इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पर देखिए, इस साइड में कॉस एक्स प्लस और साइन एक्स है, यहाँ पर भी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है आपको पता है, इन दोनों का पहले ज़रब होगा तो दोनों कॉस में सेम है, तो हम ब्रैकेट की कुव्वत दो लिख सकते हैं। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसकी कुव्वत हमने लिखा दो। ओके, फिर माइनस की अलामत, फिर वैसा ही सेम टू सेम यहाँ पर भी है, तो हम इसे भी ब्रैकेट की कुव्वत दो लिखेंगे, माइनस साइन एक्स। अब तकसीम में जो हिस्सा हमारा बच गया उसे हमें लिखना है एज इट इज, जैसा है वैसा। ओके, जो दिया हुआ है हमारा उसे हमें लिखना है। ज़रा मैं इसे थोड़ा सा सरकट इधर आगे कर देता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बाकी जो दो हिस्सा है एक बार जमा में एक बार नफी में लिखा हुआ है, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर आप लोगों को जाप्ते अच्छी तरह से अगर याद है तो ट्रिग्नोमेट्रिक हम बहुत ही जल्द सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का जाप्ता हम इस्तेमाल करेंगे, तो चलिए यहाँ पर हम कॉस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स फिर प्लस साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ओके, यानी ए प्लस बी वाला जाता है हमारा माइनस इन ब्रैकेट में, अब हम इसे माइनस से ओपन करेंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा हमारा कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ माइनस आ जाएगा बस, बाकी जैसा है वैसा, जैसा हमने पहले कॉस में लिखे वैसा ही हमें यहाँ पर लिखना है। ओके, यहाँ पर है हमारे पास प्लस, सॉरी आखिरी में क्या है साइन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स। ओके, नीचे हम हमारा नीचे जो है, अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये हमारा जाप्ता है, किसका जाप्ता है, कॉस टू एक्स का जाप्ता है। अब यहाँ पर देखिए इतना हिस्सा और इतना हिस्सा, ये हो गया वन फर्स्ट आइडेंटिटी की बेस पर, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा टू साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, माइनस अब अंदर देखिए ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा भी हो जाता है वन, तो इन दोनों की जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे माइनस वन। ओके, वन लिखेंगे, ये माइनस अंदर जाकर प्लस करता है। ओके, बाकी दूसरा हिस्सा जैसा रहेगा हमारा वैसा है। किस तरह से किया आपको पता है, यहाँ पर माइनस है, ये माइनस अंदर जाकर इसे प्लस कर देगा, तो हमने यहाँ पर लिखे देखिए ये माइनस वन ये प्लस वन कैंसल, तकसीम में जो हमारा हिस्सा बाकी है उसे हम एज इट इज लिखते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे इसे कॉस टू एक्स। अब आप देखिए जो हिस्सा हमारा बच गया ऊपर, तो टू साइन एक्स कॉस एक्स होता है साइन टू एक्स, ये जाप्ता है हमारा, तो कितनी दफा है, दो बार है, यह हम लिखेंगे। आइए तकसीम में जो हिस्सा है हमारा हम उसे वैसे ही लिखते हैं। अब यहाँ पर साइन 2x कितनी दफा है, दो मरतबा है, तो चलिए बाकी हिस्सा हम यहाँ पर कर लिखते हैं, इसलिए 2 साइन 2x अपॉन कॉस 2x, टू कॉन्स्टेंट वैल्यू है,
तो यहाँ लिखते हैं साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेन टू एक्स, और ये हमारा साबित हो गया आर एच एस। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि आइए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम सेवंथ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उससे पहले हम ज़रा एक जाप्ता ज़रा उसके बारे में हम जान लेते हैं जो हमें यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मददगार साबित होगा। आपको अच्छी तरह से पता है कि हमारे पास कॉस टू थीटा, देखिए यही जाप्ता हमें इस्तेमाल होना है। इसका एक जाप्ता हमारे पास कुछ इस तरह से है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ओके, अब यहाँ पर देखिए अगर हम माइनस वन को उधर भेज देते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये वन प्लस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर टू थीटा। आपको ये जाप्ता याद रखना है जो हमें यहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो चलिए देखिए हम किस तरह से इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अब आप सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एल एच एस साइड लिखना है हमें जो दी हुई है, सबसे बड़ा जजर उसमें हमें टू दिया हुआ है, प्लस फिर उसके बाद आता है हमारा दूसरा जजर जिसमें हमें फिर दोबारा से टू दिया है, फिर उसके बाद आता है हमारा तीसरा जजर जिसमें हमें टू प्लस टू कॉस एट एक्स दिया हुआ है। इस तरह से हमें ये लिखना है। तो सबसे पहले हम ये सिमत वाला जजर सॉल्व करेंगे, तो बाकी जो हिस्सा हमारा है वो एज इट इज रहेगा, टू प्लस सेकंड वाला जजर भी एज इट इज रहेगा। जो जवाब हम लिखेंगे वो इसके बाद आएगा। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम प्लस लगाते हैं, तो जजर है अभी, तो जजर में ही इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ से हम टू कॉमन निकालते हैं, हमने टू कॉमन निकाला तो यहाँ पर क्या बच गया, वन प्लस कॉस एट एक्स। ओके, यहाँ पर कॉस कंप्लीट। तो डेयर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ये वाला जो हिस्सा है, तो ज़रा हम इस जाप्ते के मुताबिक उसे हम लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए वन प्लस क्या दिया हुआ है हमें, एट एक्स दिया हुआ है, लेकिन जाप्ते में तो हमें टू चाहिए, क्या चाहिए, टू चाहिए। ओके, तो जो हमें यहाँ पर जाप्ता दे इस तरह से, तो हमें यहाँ पर करना क्या है, जो दिया हुआ हिस्सा है हम उसे कुछ इस तरह से तोड़ सकते हैं। देखिए टू तो ऑलरेडी बाहर है, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, टू इन टू कॉस स्क्वायर फोर थीटा, इन मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं एक्स, लिख सकते हैं ना, जब हम टू से मल्टीप्लाई जब इसे करेंगे तो कितना आता है हमारा, एट आ जाएगा। बात समझ में आई आपकी, अगर नहीं समझ में आए होंगे तो फिर मैं दोबारा से बताता हूँ। यहाँ पर हमें दिया हुआ है एट, ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, थीटा मीन्स, यानी थीटा मीन्स यहाँ पर एट दिया हुआ है, ओके, लेकिन हमें पहले क्या चाहिए, टू चाहिए, तो टू यहाँ पर टू नहीं है तो हमें टू लाना है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, एट के दो फैक्टर करेंगे, एक फोर और एक टू। ओके, तो टू का हमें ज़रूरत है यहाँ पर जाप्ता मुकम्मल करने के लिए, ये जाप्ता मुकम्मल करने के लिए हमें टू की ज़रूरत है, जो फोर हमारा बाकी रहेगा वो हम थीटा की जगह पर इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, टू कॉस स्क्वायर फोर एक्स। ओके, अब हम यहाँ पर इसकी जगह पर इस्तेमाल करेंगे, हम नीचे लिखते हैं एज इट इज, फिर दूसरा भी जजर जैसा है वैसा ही लिखते हैं हम, प्लस तीसरा जजर। ओके, तो यहाँ पर क्या होएगा हमारा, टू इंटू, ये टू है इंटू क्योंकि कॉस है, वन प्लस कॉस एट की जगह पर हमें ये इस्तेमाल करना है, ओके। अब चलिए थोड़ा नीचे बढ़ते हैं, बहुत आसान है हमारा, अगर आपको एक स्टेप समझ में आ जाती है तो बाकी जो स्टेप है खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएंगी, क्योंकि जो स्टेप अभी हम सॉल्व कर रहे हैं इसी स्टेप का पूरे प्रॉब्लम में इस्तेमाल है।
ओके अब यहाँ पर देखिए ये हो गया फोर, ओके फोर यहाँ पर क्या हो जाएगा फोर कॉस स्क्वायर फोर एक्स। ओके अब हम सिर्फ जितना हिस्सा मैं यहाँ पर आप लोगों को हाईलाइट करूँगा, यानी हमें इतना जो जजर है इसका ही हमें क्या करना है जजर मुरब्बा लेना, यानी हम यहाँ से इसकी पावर और इसकी पावर कट हो जाएगी, तो हमें क्या बचेगा आइए ज़रा हम इसे लिखते हैं। यहाँ पर हम एज इट इज टू प्लस, अब हमारा एक जजर चला गया, तो देखिए दो सॉरी चार किसका मुरब्बा है दो का है। ओके यहाँ पर हमारा जो टू है ये टू दूसरे वाले जजर का है प्लस ये चार का जजर मुरब्बा हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ से कॉस की दूसरी कुवत हमारी ख़त्म हो जाएगी। ओके तो यहाँ पर ये हुआ। आइए फिर दोबारा से हमें क्या करना है, मैं इसका सॉल्यूशन बाकी सॉल्यूशन इधर करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके फिर हम बड़े वाला जजर लिखते हैं दोबारा से, यहाँ पर हमने लिखा टू प्लस, फिर देखिए यहाँ से टू कॉन्स्टेंट बाहर निकालिए, टू कॉन्स्टेंट बाहर निकला अंदर हमारा बचेगा वन प्लस कॉस फोर एक्स। देखिए वही स्टेप है यहाँ पर भी, फिर हम दोबारा से भी इसे लिखेंगे जैसा हमने यहाँ पर लिखा टू प्लस अंडर रूट फिर दोबारा से टू। ओके यहाँ पर हमने किस तरह से लिखा था, यहाँ पर फोर था और यहाँ पर फोर आया हुआ है, तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे कॉस स्क्वायर टू एक्स लिखेंगे। ओके जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एट था, एट के फैक्टर हमने टू और फोर किए थे, अब यहाँ पर फोर आ गया तो इसके फैक्टर क्या रहेंगे एक टू रहेगा एक टू रहेगा, तो ये टू हमने यहाँ पर इस्तेमाल किए और ये वाला टू हमने यहाँ पर इस्तेमाल किए। आइए फिर इसके बाद हमें क्या करना है, सॉरी यहाँ पर जो एक टू हमारा मौजूद है ये वाले हिस्से का टू और ये जो टू बचा है हमारा वो मल्टीप्लाई में यहाँ पर हम लिखते हैं, तो अंडर रूट टू प्लस फिर दोबारा से अंडर रूट ये टू इंटू टू फोर कॉस स्क्वायर टू एक्स। ओके आइए फिर नीचे बढ़ते हैं हम इसके, फिर देखिए वही स्टेप पर हमें सिर्फ हमें क्या करना है ये वाले जजर का ही हमें इतने हिस्से का ही हमें जजर मुरब्बा लेना है, तो यहाँ पर हमारा बड़ा जो जजर है वह एज इट इज रहेगा टू प्लस ये फोर का टू हो जाएगा, इसकी कुव्वत हमारी जो है वो हट जाएगी। ओके अब आइए फिर दोबारा से यहाँ से कॉन्स्टेंट टू वैल्यू निकालिए बाहर, तो हम जजर के अंदर ही रहेंगी टू बाहर निकला प्लस सॉरी हम यहाँ पर इसे माफ़ी चाहता हूँ प्लस नहीं लिखेंगे इन ब्रैकेट में वन प्लस कॉस टू एक्स लिखेंगे। अब आपको पता है हमारा जब्ता ऊपर मौजूद है, इसका क्या जब्ता है टू कॉस स्क्वायर टू एक्स रहेगा। ओके जो अभी तक हम जब्ता इस्तेमाल करते आ रहे हैं वही जब्ता यहाँ पर रहेगा, तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं इसे टू इंटू वही हिस्सा। ओके ये टू टू कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा, फोर होता है इन टू, फिर दोबारा से आपको पता है ये फोर क्या हो गया टू और इसका मुरब्बा हट गया, तो हमारा जवाब हमें क्या मिल गया टू एक्स, और हमें यही प्रूफ करना था आर एच एस साइट। मुझे उम्मीद है आपको ये वाला सवाल भी समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, इसके बाद हम एट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा एट क्वेश्चन कुछ इस तरह से, हमें क्या प्रूफ करना है साइन 60 थीटा प्रूफ करना है, तो इसके लिए हमें ये जब्ते की ज़रूरत महसूस होंगी, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम एल एच एस साइड मामूल के मुताबिक हमें सबसे पहले एल एच एस साइड लिखना होती है। ओके तो हमारी एल एच एस साइड में मौजूद है 60 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस टू थीटा इंटू कॉस फोर थीटा इंटू कॉस एट थीटा।
अभी हम डियर स्टूडेंट क्या यहाँ पर किस तरह से अमल करना है, हम कौन सी टेक्निक यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, आप ज़रा गौर से देखिए। तो देखिए यहाँ पर बस हम इतने हिस्से का पहले इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो 16 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए इतना हिस्सा हमारे पास मौजूद है। ओके, हमें किसकी ज़रूरत है, दो की ज़रूरत है। तो हम 16 के टुकड़े इस तरह से करते हैं, 8 बाहर लिखेंगे और कॉस में हम लिखेंगे 2। ओके, फिर बाकी जो हिस्सा है हमारा वो हम ऐसा लिखते हैं, बाकी जो हिस्सा है उसे एज इट इज लिखिए। ओके, बाकी हिस्से को हम एज इट इज लिखते हैं। आपको बताएं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 8, हम कॉस में लिखेंगे साइन 2 थीटा। ओके, हमने यहाँ पर कॉस में साइन 2 थीटा लिख दिए। अब देखिए अगला वाला जो है कॉस 2 थीटा है उसे हम यहाँ लिखते हैं, बाकी जो हिस्सा है हमारा वो बाहर रहेगा। हम एक एक हिस्से को हम अंदर इस्तेमाल करते रहेंगे। फिर यहाँ पर देखिए साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा है, यानी मानिए कि अभी यहाँ पर थीटा के साथ क्या मौजूद है, 2 मौजूद है। हमें फिर दोबारा से 2 की ज़रूरत महसूस हुई, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 8 के इस तरह से हम फैक्टर्स करेंगे, 4 बाहर लिखते हैं और 2 अंदर लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, बाकी जो हिस्सा है हमारा वो कॉस के बाहर। ओके, अब यहाँ पर देखिए 2 साइन 2 थीटा है, तो अब ये क्या हो जाएंगे, ये 2 और 2 हमारा जो जवाब है वो क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। अगर यहाँ पर साइन थीटा के पास 2 मौजूद नहीं है तो हमारा जवाब है 2 थीटा, अगर यहाँ पर 2 मौजूद रहा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जवाब इस तरह से रहेगा, 4 sin 4 थीटा। ओके, फिर हम कॉस 4 थीटा को अंदर ले लेते हैं, बाहर क्या है हमारा, सॉरी बाहर क्या रहेगा हमारा, 8 थीटा रहेगा। ओके ओके, चलिए नीचे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फिर दोबारा से हमें और 2 की ज़रूरत महसूस होगी यहाँ पर, फिर हम 4 के टुकड़े करते हैं, 2 बाहर लिखते हैं, 2 अंदर। ओके, आप समझ गए होंगे हमें ये किस तरह से सॉल्व करना है, इसका जवाब हमें कितना हासिल हो जाएगा, उसी जब्ते की मदद से 2 कितना हो जाएगा, ये 4 और 2 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। ओके, तो हम किस तरह से लिखेंगे इसे, साइन 8 थीटा और बाकी जो हिस्सा है हमारा ये, इसे फिर हम यहाँ लिखते हैं, सॉरी ये माइनस जैसा हो गया लेकिन असल में वो क्या है, इनटू है। ओके, कॉस 8 थीटा। तो डियर स्टूडेंट अब यहाँ पर ये 2 और ये 8 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जवाब कैसे लिखते हैं, साइन 60 थीटा, और हमें यही प्रूफ करना था। ओके, ये हो गई हमारी आर्च साइड। मुझे उम्मीद है ये सवाल भी आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं, 10th क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 10th क्वेश्चन में हमें cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स दिया हुआ है नीचे साइड में, और हमें cot x बाय 2 माइनस 1 और cot x बाय 2 प्लस 1 हासिल करना है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें cot जो दिखाई दे रहा है आपको आर्च साइड में, और cos यानी हमें इस तरह से LHS साइड को लिखना है कि हमें RHS साइड हासिल हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं LHS साइड जो हमको दी हुई है वो कौन सी है हमारी, वो है cos x अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। ओके, ये हमारी एक साइड है। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास cos x और 1 प्लस साइन एक्स का कोई जब्ता मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे पास ये 2 जब्ते मौजूद है, तो इसकी मदद से हम cos x और 1 प्लस साइन एक्स का जब्ता हासिल कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर आइए, तो देखिए हमारे पास cos थीटा दिया हुआ है, cos थीटा दिया हुआ है, और यहाँ पर एक्स्ट्रा में हमारे पास 2 है। अगर हमको ये 2 हटाना है तो हम क्या करेंगे कि पूरी
यानी पूरी कसर को, यानी पूरे जो दिख रही है हमें, इसको हम दो से तकसीम कर देंगे। तो जैसे हमने इसे दो से तकसीम किया तो हमें क्या हासिल होगा, यहाँ पर देखिए मैं इधर बताता हूँ करके, 2θ/2। ओके, ये हमें मिल जाएगा 2 − sin²θ/2, यानी ये 2 और 2 कट हो जाएगा, तो हमें क्या मिल गया, cos θ मिल गया। तो cos θ मीन्स यानी क्या, cos x। तो cos x की जगह पर हम ये इस्तेमाल करेंगे, तो क्या है हमारा वो साइन, सॉरी लिखते हैं cos²x/2, ओके, −sin²x/2। ओके, ये किस तरह से हमने किया आपकी समझ में आ गया होगा। आइए फिर तकसीम की निशानी हम लगाते हैं यहाँ पर अपॉन में। अब यहाँ पर देखिए यहाँ दिया हुआ हमारा 1, और 1 का ज़ाब्ता हमारे पास अच्छी तरह से हमें आता है, क्या है, sin²θ, यानी sin x/2 हमें इसी तरह से लिखना है, sin x/2 + cos²x/2। ये फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी, आप अच्छी तरह जानते होंगे sin²θ + cos²θ = होता है 1। ओके, तो यहाँ पर हम इसको एंगल हाफ एंगल के फॉर्मूले में इसे हम ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें सब हाफ एंगल में दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर इसे हाफ एंगल में लिया। अब आगे देखिए साइन एक्स है, तो जिस तरह से हमने sin²θ निकाले उसी तरह से हम यहाँ पर ये निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 मौजूद है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ थीटा को होना है, किसको होना है, थीटा को होना है, तो 2 एज इट इज़ रहेगा। तो आगे हम इसके लिखते हैं प्लस करके, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, +2sin²x/2 × cos²x/2। ओके, ये किस तरह से हमने किया समझ गए होंगे आप। ओके, अब आगे आते हैं, ये 2 है, सॉरी आपको कुछ नया दिखाई दे रहा होगा। ओके, या माइनस में है cos²/- में, यहाँ पर तो आपको अच्छी तरह से एक जाप्ता मालूम है, a²−b², इसे हम क्या करते हैं, एक बार नफी में लिखते हैं और एक बार जमा में इस्तेमाल करते हैं। तो हम चलिए उसे लिखते हैं वैसे ही जैसा मैंने आपको बताया, वैसे ही हम लिखेंगे, ऊपर बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो पहला वाला जो है हम लिखेंगे cos²−sin²², दूसरे cos में हम लिखेंगे cos²x/2 + sin²x/2। ओके, अब नीचे वाला जो दिखाई दे रहा है हमें, जरा हम नीचे वाले को देखते हैं। तो नीचे वाले में देखिए हमारे पास एक जाप्ता मौजूद है a·b²। तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे a² + 2ab + b². तो चलिए a² मीन्स यानी क्या, साइन। तो हम यहाँ पर इन शॉर्टली मैं आपको बताते चलता हूँ। तो यहाँ पर हमने लिखा sin²x/2 प्लस हम फिर यहाँ लिखेंगे cos²x/2 ब्रैकेट कुवत। किस तरह से, ज़रा गौर से देखिए, यहाँ पर a मिल गया, a को हमने क्या फ़र्ज़ किया, साइन फ़र्ज किए। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं यहाँ पर sin²x/2 = a और b = cos²x/2। ओके, तो यहाँ पर देखिए साइन, तो ये इतना हिस्सा हमारा हो गया a। ओके, इतना हिस्सा हो गया हमारा b, यानी b कुवत दो। और यहाँ पर देखिए ये 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 एज इट इज़ रहेगा, साइन ए मीन्स ये हो गया और ये हो गया बी। तो देखिए वही सप्ता है a², ये देखिए a², फिर b² और 2ab। ओके, इस तरह से हमने इसे लिखा। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए ये प्लस वाला और ये प्लस वाला दोनों जो है एक एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये कट, ये कट। ओके, ये दोनों आपस में यहाँ पर कट हो गए, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा, चलिए देखते हैं, नीचे लिखते हैं हम लोग, हमारे पास जो हिस्सा बच गया वो है cos²x/2 − sin²x/2। ओके, तकसीम में जो हिस्सा हमारा बच चुका है वो लिखते हैं हम, तकसीम में हमारा वही हिस्सा बच चुका है, क्या बचा हुआ है, साइन, माफ़ी चाहता हूँ, ये पिन चल गई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, दूसरी पेन लेता हूँ मैं, sin²x/2 + cos
एक्स बाय टू, क्योंकि यहाँ से एक एक ब्रैकेट कुवत दो है, तो इसलिए एक चला जाएगा और एक रहेगा। अब हमें क्या चाहिए, कॉट चाहिए, और कॉट का हमारे पास क्या जाप्ता है, कॉट का हमारे पास जाप्ता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसको इस हिस्से को हम, चलिए देखिए दो मिनट रुकिए, अजान हो रही है, हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू यहाँ पर दो मरतबा है, इसलिए एक कट गया एक बाकी रहा। अब हमारे पास कॉट का जाप्ता है, हमें जो प्रूफ करना है वो कॉट थीटा, मानिए कॉट का जाप्ता हमारे पास क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन से डिवाइडेशन करते हैं। ओके, तो हम यार नीचे लिखेंगे एन एंड डी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय क्या करना है, साइन एक्स बाय टू। ओके, तो चलिए हम करते हैं एक एक करके। पहला है हमारा कॉस एक्स बाय टू, इसके अपॉन में हम लिखेंगे साइन एक्स बाय टू, फिर माइनस साइन एक्स बाय टू अपॉन साइन एक्स बाय टू। ओके, आगे बढ़ते हैं हम नीचे, नीचे हमारा कौन सा हिस्सा है, फिर अगला हिस्सा है हमारा नीचे, चलिए नीचे देखते हैं ज़रा, थोड़ा सा फास्ट लिया हम, नीचे है साइन एक्स बाय टू, इसकी तकसीम में हम लिखेंगे साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू और साइन एक्स बाय टू। तो इतना सेक्शन हमारा हो जाएगा कॉट, इसका बाकी हिस्सा मैं यही लिखता हूँ, क्या हो जाता है हमारा कॉट हो जाता है कॉट एक्स बाय टू, ये कट कर माइनस वन हो जाएगा, अपॉन में ये कट कर वन हो जाएगा, प्लस इतना सेक्शन हमारा है कॉट एक्स बाय टू। ओके, तो हमें यही प्रूफ करना था जो हमने आरचे साइड में हमारा मौजूद था एक्स बाय टू, इसे तरतीब से अगर हम चाहे तो हम ऐसे लिखते हैं कि तरतीब में माइनस वन अपॉन, इसे हम लिखेंगे कॉट एक्स बाय टू प्लस वन, यह हो गया हमारा साबित आरचे। टेन की तरफ आते हैं, सॉरी ट्वेल्व की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में हमें कॉट टू ए प्रूफ करना है। ओके, याद रखिए कॉट टू ए हमें प्रूफ करना है, तो हम यहाँ पर आप लोग साइड में जाप्ते देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए कॉट थीटा होता है वन अपॉन टेन थीटा, और टेन ए प्लस बी, इस जाप्ते का इस्तेमाल हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉट वाली जो टर्म है, कॉट वाली टर्म को यानी ये वाली टर्म को हम टेन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखते हैं एल एच एस साइड। ओके, एल एच एस साइड में हमें, आपको पता है हमारी एल एच एस साइड, हम लिखते हैं टेन थ्री ए माइनस टेन ए, फिर माइनस हम यहाँ लगाते हैं नीचे की सिमते हम लिखेंगे कॉट थ्री ए माइनस कॉट ए। ओके, अब हमें करना क्या है, हमें पहला वाला जो सेक्शन है हमारा एज इट इज रखना है माइनस के साथ। ओके, माइनस और कॉट की जगह पर वन अपॉन टेन लगाना है, तो इसके हिसाब से हम लिखते हैं वन अपॉन थ्री ए माइनस वन अपॉन टेन ए। ओके, ये वाला सेक्शन में टेन, यहाँ पर भी। अब इधर के बाद फिर वापस से दोबारा से हम क्या करते हैं, हमारा पहला सेक्शन एज इट इज रखते हैं टेन थ्री ए माइनस टेन ए, फिर माइनस। अब सबसे पहले हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो मैं इधर की साइड पर करके बताता हूँ आपको। तो देखिए हमारा क्या जवाब रहेगा, टेन ए माइनस टेन थ्री ए, टेन थ्री ए अपॉन में, ये दोनों ज़रबी सूरत में आ जाएंगे हमारे, टेन ए
इंटू टेन थ्री ए। ओके तो हम यहाँ का क्या करते हैं, तो देखिए ये उसके ऊपर वन है तो ये ऊपर जाकर ज़रब हो जाएगा। तो हमारी जो स्टेप रहेंगी वो स्टेप कुछ इस तरह से रहेंगी, कैसे लिखेंगे हम इसे, टेन ए इंटू टेन थ्री ए अपॉन में टेन ए माइनस टेन थ्री ए। ओके यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा कि हमने इसे किस तरह से लिखे। ओके अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो वन है इसे तो हमने ऊपर भेज दिया, ये वाले सेक्शन को हमने ऊपर भेज दिया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया कि वन हमें करना है, इसे किस तरह से हम इसे वन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का बेस सेम है तो हम इसे एक ही बार लिखेंगे। कितनी दफ़ा लिखना है, एक ही दफ़ा लिखना है, तो हम इसे ऐसा लिखते हैं वन माइनस टेन ए इंटू टेन थ्री ए। तो जो बेस सेम एक मरतबा होता है यानी नसब नुमा सेम एक बार होता है तो हम उसे सेम रहता है तो हम उसे एक ही बार इस्तेमाल करते हैं, ये हमें अच्छी तरह से पता है। यहाँ तक तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये वाला सेक्शन अब हम इसे ऊपर भेजते हैं। अब इसे यानी ये वाले सेक्शन को हम ऊपर भेजते हैं, क्यों भेजना है हमें ऊपर, क्योंकि हमारा जो जाप्ता है, तो ज़रा देखिए जाप्ते पर एक मरतबा हम नज़र डालते हैं। तो जो जाप्ता है हमारा, तो जाप्ते में देखिए टेन ए टेन बी यानी टेन ए टेन बी ऊपर है और यहाँ पर का है नीचे है ना। तो यहाँ पर देखिए इसके तकसीम में क्या है, एक रहता है, हमें अच्छी तरह से पता है इसके तकसीम में क्या मौजूद है, एक है। तो जैसे ही हमने इसे ऊपर भेजा तो हमारी जो अगली स्टेप रहेंगी वो कुछ इस तरह से रहेंगी, देखिए इस तरह से हमारी वो स्टेप रहने वाली है। ओके और तकसीम में हमारा नीचे वाला सेक्शन रहेगा वन माइनस टेन ए इन टू टेन थ्री ए। किस तरह से है आपको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर पहली वाली जो स्टेप है, ये वाली जो स्टेप है, इसके तकसीम में ऑलरेडी एक मौजूद है। हम फॉर एग्जांपल इसको हम ऐसा लिखते हैं ए बटे एक और बी बटे एक, तो तकसीम को किस तरह से लिखा जाता है, तो हमारी पहली वाली कंडीशन जो है यहाँ पर देखिए इसे हम लिखिए, मानिए फॉर एग्जांपल हमने लिखा ए बटे एक, तो बाद वाला क्या हो जाता है एक बटे बी हो जाता है, फिर ऊपर ऊपर वाले की सर नीचे नीचे वाले की सर, तो यहाँ पर हमने वही किया। ओके अब यहाँ पर देखिए, अब आपको पता है नीचे वाला जो सेक्शन है हमारा इतना सेक्शन जाप्ता है, तो हम नीचे लिखते हैं इसे वन अपॉन ए, क्या है हमारे पास थ्री ए है, हम यहाँ लिखेंगे थ्री ए माइनस और ए खुद बी खुद क्या है ए है, तो हम लिखते हैं नीचे वन अपॉन क्या हो जाएगा टेन टू ए, और वन अपॉन टेन टू ए क्या होगा, इसलिए ये हो जाएगा कॉट टू ए आर एच एस साइड से। ओके क्योंकि अपने को 13वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 13वें क्वेश्चन में कॉस 7 कॉस 40 कॉस 28 डिग्री कॉस 56 डिग्री इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन 68 डिग्री अपॉन 60 कॉस 83 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी तरमीम करते हैं, हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो 16 कॉस 83 दिया हुआ है इसे हम इधर भेजते हैं, तो आपको पता है इधर तकसीम में उधर जाकर वो ज़र्ब करेगा और बाकी जो उसका हिस्सा है वो एज इट इज़ हम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे 60 कॉस 83 डिग्री इंटू बाकी जो सेक्शन है हमारा वो बाकी सेक्शन ये सेक्शन हम एज इट इज़ लिखते हैं। और यहाँ पर हमारे पास 60 है बचा हुआ है। ओके अब हमारी LHS साइड ये हो गई और RHS साइड ये हो गई, तो हम यहाँ पर LHS साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम LHS साइड लिखते हैं हमारी 16
कॉस 83 इंटू कॉस 7 इंटू कॉस 14 इंटू कॉस 28 इंटू कॉस 56। ओके, अब यहाँ पर देखिए इतने सेक्शन को, सिर्फ इतने वाले सेक्शन को 60 हम एज इट इज जैसा है वैसे ही लिखते हैं। ओके, मैं इतने सेक्शन को यानी 83 को यहाँ पर मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, मानिए जैसा 90 - 7 इज इक्वल टू क्या होगा, 83 होगा। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए कॉस का हमारे पास जब्ता मौजूद है, जिसकी वजह से हमें साइन हासिल होगा। तो हम यहाँ पर कॉस हमारा एज इट इज रहेगा और ये 83 की जगह पर हम 90 - 7 लिखेंगे, ये दर्ज। ओके, बाकी जो सेक्शन हमारा जैसा है उसे वैसे ही लिखिए आखिर तक के। ओके, ये दर्जे लगाना मत भूलिए, दर्जे हमें लगाना है लेकिन हम लास्ट में लगा इस्तेमाल करेंगे, उसे लिखेंगे। ओके, यहाँ पर हम इस तरह के एग्जांपल हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो आपको पता है यहाँ पर देखिए ये वाला सेक्शन हमारा ये दिखाई दे रहा है, तो क्या होता है इसका मतलब साइन थीटा। तो यहाँ पर थीटे का वर्क कौन कर रहा है, 7 कर रहा है। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 16 sin 7 sin 7 दर्जे। ओके, और यहाँ पर हम लिखेंगे cos 7 दर्जे। बाकी ये सेक्शन हमारा एज इट इज जैसा है वैसा। अब यहाँ पर जो 16 है, 16 को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, 8 बाहर हम लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 2 sin 7 दर्जे इंटू cos 7 दर्जे। ओके, बाकी जो सेक्शन है हमारा cos 40। ओके, हम नीचे लिखेंगे इसके बाकी वाला हिस्सा हमारा कौन सा है, हमारा cos के बाद क्या है, cos 28 cos 56। तो ये जाप्ता हमारे पास मौजूद है, यहाँ दिखाई दे रहा है sin 27 यानी सॉरी 2 थीटा। तो यहाँ पर हम किस तरह से लिखेंगे इसे, ये हो जाएगा हमारा 8 एज इट इज रहेगा। ओके, 8 हमारा क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, और ये हो जाएगा 7 sin 40 आगे रहेगा हमारा cos 40। ओके, फिर आगे हम लिखेंगे cos 28 cos 56। ओके, फिर इतने सेक्शन का इस्तेमाल करना है, फिर हम 8 के टुकड़े करते हैं तो 4 बाहर रहेगा, 2 अंदर लिखते हैं साइन। ओके, इसी तरह से हमें लिखना है बाकी जो सेक्शन है हमारा cos 28 cos 56। फिर ये सेक्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, साइन 28। फिर हम अंदर cos को ले लेते हैं, cos 28 ले लेते हैं अंदर, बाहर क्या रहेगा हमारा cos 56। फिर यहाँ पर ये 4 जो दिखाई दे रहा है, बाकी इस तरह मैं इधर सॉल्व करता हूँ, फिर हम 2 बाहर लिखते हैं, 2 अंदर लिखेंगे, बाकी sin 28 और cos 28 इसके साथ रहेगा। बाहर हमारा क्या रहेगा cos 56। फिर ये सेक्शन हो जाएगा हमारा, ये 2 बाहर वाला हमारा एज इट इज नीचे उतर है हमने, ये हो जाएगा साइन 56, क्योंकि 28 × 2 = 56 होता है। बाकी जो सेक्शन है हमारा उसे हम ऐसे लिखते हैं cos 56। फिर जब्ता हो गया, तो ये हो गया हमारे पास साइन, अगर 56 को 2 से ज़र्ब करते हैं, ओके 56 को अगर हम 2 से ज़र्ब करते हैं तो क्या आता है हमारा जवाब, 112 आता है, साइन 112। ओके, लेकिन अभी हमें जवाब क्या चाहिए, 68 जवाब चाहिए। तो फिर दोबारा चलिए ऊपर देखिए, हमारा एक जाप्ता इस तरह का मौजूद है हमारे पास, वो जाप्ता कौन सा है मैं आपको बताता हूँ इधर के साइड पर। चलिए देखिए, एक जाप्ता हमारे पास मौजूद है साइन 2π - θ। ओके, साइन 2π - θ क्या होता है हमारा, साइन थीटा होता है।
क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर हम 112 के ऐसे टुकड़े करेंगे कि जिसमें हमें, ये देखो 112 के टुकड़े तो हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने 2π का इस्तेमाल किया है और पाई की वैल्यू हमें अच्छी तरह से पता है 180 होती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 180 को इस तरह से तोड़ेंगे कि हमें 112 मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, 180 माइनस 68 लिखते हैं। ओके, तो अगर 180 में से अगर हम 68 को माइनस करते हैं तो हमें जवाब कितना मिलता है, 12 मिलता है। कितना मिलता है, 12 मिलता है। ओके, तो हमारा जो जाप्ता है वो क्या है, 2π है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 180 माइनस 68। तो क्या होता है, साइन होता है थीटे का वर्ग, कौन कर रहा है, 68 कर रहा है। तो हमारा जवाब हमें मिल गया साइन 68। ओके, तो यहाँ पर जो इसमें हम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हमारा जब्ता क्या, साइन पाए माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा होता है। मुझे उम्मीद है ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अगले सवाल की, अब हम 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि साइन स्क्वेयर माइनस 160 डिग्री अपॉन साइन स्क्वेयर 70। ओके, 70 डिग्री। उसके बाद हमें क्या करना है, प्लस साइन 180 माइनस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हमें साबित करना है, सेक स्क्वायर टू थीटा हमें साबित करना है। तो मामूल के मुताबिक हम लोग सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एलएचएस साइड लिखते हैं। एलएचएस साइड में जो सेक्शन हमारा मौजूद है हम उसे लिखेंगे साइन स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस 160 अपॉन साइन स्क्वायर 70 प्लस, फिर बाकी जो हिस्सा हमारा जैसा है हम उसे वैसा ही लिखेंगे, साइन थीटा। ओके, तो इसे सॉल्व करने से पहले हम कुछ हमारे जाप्तों की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा, मैं दूसरी पेन का इस्तेमाल करता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए कि हम यहाँ पर किसे किसे सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम साइन स्क्वायर को लेते हैं, साइन स्क्वायर माइनस 160। ओके, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस साइन 160। अब आप सोचेंगे सर ये कैसा आया, तो याद रखिए, देखिए हमारे पास एक जब्ता है साइन इन ब्रैकेट माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ओके, तो थीटा का वर्क हमारा 160 कर रहा है। उसके बाद हम 160 को इस तरह से लिख सकते हैं, नीचे से देखिए, साइन एंड माइनस हमारा जो कॉमन है उसको बाहर ही रखते हैं, माइनस साइन हम 160 को ऐसा लिख सकते हैं 180 माइनस 20। हमारा जाप्ता है आपको अच्छी तरह से पता है साइन पाई माइनस थीटा इजिकल टू होता है साइन थीटा। ओके, तो थीटा का वर्क कौन कर रहा है, 20 कर रहा है। तो नीचे हमारा जो जवाब हमें मिल जाएगा वो क्या मिलेगा, तो चलिए हम नीचे लिखते हैं इसका जवाब। इसका जवाब हमारा जो रहेगा यहाँ पर, ये रहेगा हमारा जवाब, ये माइनस एज इट इज रहेगा साइन 20। ओके, ये पहला सेक्शन होगा हमारा। सेकंड उसके बाद कौन सा है, उसके बाद हमारे पास देखिए नीचे की साइड में साइन स्क्वायर दिया हुआ है, इसके लिए हम इसको अलग पेन इस्तेमाल करते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हम अगला इस्तेमाल करते हैं साइन स्क्वायर 70। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 70 को हम किस तरह से लिखेंगे, 90 माइनस, यहाँ पर हम लिखेंगे इसे 90 माइनस 20। तो हमारा जवाब हमें क्या मिल जाएगा, साइन 20 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, साइन 20 हमें हासिल हो जाएगा। ओके, तो अब चलिए ऊपर जो दी हुई कीमतें हैं, ये जो हमने कीमत हासिल की है इसे हम ऊपर इस्तेमाल करते हैं। तो कहाँ पर इस्तेमाल करना है, यहाँ पर। तो चलिए मैं ज़रा यहाँ से जब्ता मिटा देता हूँ ये वाला, और इस जब्ते को बाकी सेक्शन में यहाँ लिखते हैं। तो देखिए पहला वाला जो सेक्शन है, पहले वाले सेक्शन का जवाब हमें क्या हासिल हुआ, ये वाला हासिल हुआ। तो हम उसकी जगह पर वो इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा लिखिए। ओके, क्या है हमारा, माइनस साइन 220। ओके, यहाँ पर जो हमने लिखा तो इसमें क्या है, ब्रैकेट स्क्वायर ही रहेगा हमारा क्योंकि स्क्वायर में है, अपॉन में क्या है हमारा, साइन स्क्वायर 70। तो साइन स्क्वायर 70 हमें क्या हासिल हुआ उसे देखते हैं हम नीचे। हमने नीचे उसका जवाब भी हमें क्या हासिल हुआ, साइन 20 हासिल हुआ। ओके, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, ये साइन 90 माइनस
20 होता है कॉस होता है, क्या होता है यहाँ पर हम कॉस लिखेंगे, सॉरी जाप्ता है हमारा वो कॉस होगा। तो यहाँ पर देखिए ये भी स्क्वायर में दिया हुआ है, तो हम इसे लिखेंगे कॉस 20। ओके इसे हम ब्रैकेट स्क्वायर करते हैं, इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं उसके इधर वाले सेक्शन में, प्लस प्लस दिया हुआ है, तो ये वाला सेक्शन हमारा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो सेक्शन है वो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, साइन 20 सिर्फ माइनस नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 20। ओके वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइन 20 मीन्स यानी क्या, साइन थीटा लिखेंगे। साइन थीटा क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा है जो जाविया है वो थीटा ही खुद है। यहाँ पर हमने 20 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर जो थीटे का वर्क कर रहा था वो कौन कर रहा था, 20 कर रहा था। ओके अपॉन में साइन थीटा एज इट इज, अब नीचे इसे हम लिखते हैं तो किस तरह से लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा माइनस है, एज इट इज जैसा है माइनस वैसे ही रखते हैं, माइनस इसे हम लिखते हैं साइन स्क्वायर, सॉरी साइन 20, साइन 20 यानी ऐसा लिखते हैं हम साइन स्क्वायर 20 अपॉन कॉस स्क्वायर 20 प्लस 1। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं टेन स्क्वायर 20 क्योंकि हम माइनस में प्लस 1। और हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास मौजूद है, फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास टेन स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये हमारा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेक स्क्वायर 20, यही हमें साबित करना था, ये होगा। इस वीडियो का 15वां क्वेश्चन है, यहाँ पर चलिए हम इसे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आपको एल एच एस साइड दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एल एच एस साइड हमारी जो है उसे लिखते हैं, और यहाँ पर देखिए 2 cos 4x प्लस 1 अपॉन 2 cos x प्लस 1। ओके यह हमारी एल एच एस साइड है। तो डियर स्टूडेंट आपको क्या करना है, देखिए मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ बस आपको उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो सवाल दिया हुआ था वो सवाल हमने बराबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए ये जो 2 है ये 2 को हमें एज इट इज़ अपनी जगह पर ही रखना है, कॉस के अंदर ये कॉस 4x, ओके इसे हमने ऐसा लिखा प्लस 1, बाहर जैसा है वैसा ही हम लिखेंगे। अब ऐसा लिखने की वजह क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ। ओके अब यहाँ पर देखिए इस सिमत में कॉस 2 थीटा का जाप्ता है हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, लेकिन हमारे पास क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो हम इसे इस जाप्ते में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये 4 दिया हुआ है 4x। ओके तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये 2 इसके दो फैक्टर्स करते हैं, एक 2 दूसरा 2, तो ये जो 2 है यहाँ पर हम इसके पहले लगा देंगे, यानी ये हो जाएगा इस तरह से, और ये 2 जो है x के साथ हम इस्तेमाल कर लेंगे। ओके तो इतना जो सेक्शन है हमारा cos 2x ये देखिए इसके जैसा हो गया। ओके अब नीचे जब हम लिखेंगे तो हमें इसी तरतीब से उसको लिखना होगा, तो हम किस तरह से इसे लिखेंगे देखिए, ज़ाब्ता आपके सामने मौजूद है, हम यहाँ पर 2 ये 2 बाहर हमारा एज इट इज रहेगा, यहाँ पर देखिए ये 2 हम लिखेंगे यहाँ। ओके cos 2x की जगह पर हम उसका ऊपर वाला ज़ाब्ता लिखेंगे, कौन सा ज़ाब्ता है हमारा, ये वाला ज़ाब्ता हमें लिखना है, हम ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, कौन सा, ये वाला। ओके तो हम इसे किस तरह से लिखना है आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इसे किस तरह से तोड़े और अब हम इसे इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर 2 हमने लिख लिया, यह होगा हमारा cos स्क्वायर 2x प्लस 1। ओके सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, प्लस नहीं है माइनस है, यहाँ पर क्या है हमारा माइनस 1 है, ये प्लस 1 बाहर का है। ओके हमने सिर्फ इसी कॉस के अंदर ये ज़ाब्ता इस्तेमाल किए, तकसीम में जो सेक्शन है हमारा उसे एज इट इज़ लिखिए 2 cos x प्लस 1 एज इट इज़ लिखिए। ओके इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, बाहर का जो 2 है अंदर मल्टीप्लाई करने लगाते हैं, तो चलिए ये 2 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा 4 cos स्क्वायर 2x माइनस ये 2 माइनस 1 से भी मल्टीप्लाई करेगा, फिर हम इसे क्या करते हैं
कॉस में वन कर देते हैं, प्लस वन बाहर लिखते हैं। इस तरह से हमने इसे लिखा। फिर नीचे वाला जो सेक्शन था हमारा, वो हम लिखते हैं यहाँ पर टू कॉस एक्स प्लस वन। ओके, अब देखिए इतने वाला जो सेक्शन, जो कॉस के अंदर हमारा सेक्शन है, हम उसे क्या करते हैं, कॉस वाले सेक्शन को हम ये वाले जब्ते से हम लिखेंगे। देखिए मैं बाकी सेक्शन आपको यही करके दिखाता हूँ, क्योंकि हमें जब्ते का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर देखिए ये फोर, फोर किसका मुरब्बा है, टू का मुरब्बा है। ओके, ज़रा अच्छे से गौर से देखिएगा, हमारे पास एक जब्ता मौजूद है ए नफ़ी बी कॉस कुव्वत दो, तो हम इसे एक बार नफ़ी में लिखते हैं और एक बार हम इसे जमा में लिखते हैं। ओके, ये हमें अच्छी तरह से पता है। तो यहाँ पर देखिए ए का जो वर्क कर रहा है, ओके, तो यहाँ पर हमें देखिए माइनस टू वन, इसे हम क्या करते हैं, इसमें अमल कर लेते हैं। तो टू में से वन गया, कितना बचा, वन बचा। तो यहाँ पर हमारे पास ये बच जाएगा, इसे हम लिख लेते हैं माइनस वन। ओके, ये माइनस वन कैसा आया आपको अच्छी तरह से पता है, ये टू इससे मल्टीप्लाई होता है। ओके, और टू में से वन माइनस हम कर देते हैं तो कितना बचता है, वन। अब यहाँ पर देखिए दो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पूरा सेक्शन है हमारा ए, ओके, और सिर्फ वन जो है ये है हमारा बी। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर चार, चार मुरब्बा नंबर है, तो इसका जज़्र मुरब्बा लिखना है टू, इसे हमने लिखा और कॉस टू एक्स। ओके, पहले कॉस के अंदर माइनस वन, क्योंकि देखिए पहले इसमें ए माइनस बी है और ये पूरा सेक्शन हमारा ए है। फिर दूसरे कॉस में हमें प्लस लगा के लिखना है, टू कॉस टू एक्स प्लस वन। ओके, समझ में आ गया होगा आपके हमने किस तरह से लिखा, तकसीम में। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर टू कॉस एक्स प्लस वन। ये यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, पहला वाला कॉस एज इट इज जैसा है हम वैसे ही रखते हैं, पहले वाला कॉस हमारा जैसा है वैसे ही रखते हैं हम, इसे हम बंद कर देते हैं। अब दूसरे वाला जो कॉस है, यहाँ पर देखिए ये टू एज इट इज रहेगा। ओके, ये वन जो है ये वन भी एज इट इज रहेगा। अब देखिए कॉस टू एक्स का जब्ता हमारे पास मौजूद है, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या जब्ता है उसका, ये वाला जब्ता है ना कॉस टू एक्स का। तो फिर दोबारा से वही जब्ता हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर ये टू कॉस स्क्वायर टू एक्स, ओके, माइनस वन, ये बाहर प्लस वन एज इट इज जैसा था वैसा ही रहेगा। ओके, तकसीम में, तकसीम में ये वाला सेक्शन जैसा है हमारा वैसा ही। ओके, यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा। फिर आइए दोबारा से फिर हम क्या करते हैं, टू से मल्टीप्लाई करते हैं। ये पहला कॉस एज इट इज, टू कॉस टू एक्स माइनस वन कॉस वन, टू से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा फोर, फोर कॉस स्क्वायर टू एक्स माइनस टू प्लस वन। ओके, ये दूसरा कॉस हमारा बन गया, ये हो गया हमारा टू कॉस एक्स प्लस वन। फिर वैसा ही वही जब्ता ए नफी बी वाला जब्ता हम इस्तेमाल करेंगे जो यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया था। देखिए ये टू में से ये वन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसे हम माइनस कर देते हैं, एक स्टेप हम कम कर लेते हैं, आपके समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पर कौन सा अमल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस वन। ओके, यहाँ पर हम लिखते हैं माइनस वन, और इसके लिए हम कौन सा जब्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, ए कुव्वत दो बी कुव्वत दो वाला, यानी पहले कॉस में एक बार नफी और दूसरे वाले में जमा के साथ, वही हम अमल यहाँ लिखेंगे। नीचे लिखते हैं इसको, पहला कॉस एज इट इज रहेगा हमारा, टू कॉस टू एक्स माइनस वन, फिर इसे हम दोबारा से वैसे ही लिखेंगे, टू कॉस टू एक्स माइनस वन, और दूसरे कॉस में लिखेंगे टू कॉस टू एक्स प्लस वन, तकसीम में टू कॉस एक्स प्लस वन। अब ये सेक्शन और ये सेक्शन कट, क्योंकि हमें यही साबित करना था, टू कॉस टू एक्स माइनस वन और टू कॉस टू एक्स माइनस वन, हमें दो मरतबा इसे लाना था, हमने यहाँ पर उसे प्रूफ कर दिए। ओके, तो डियर स्टूडेंट आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए।